क्या है? 10 रुपए देना है। भीख मांगता है? भीख नहीं मांग रहा हूँ, उधार मांग रहा हूँ। क्यों, क्या करेगा? खाना खाने का है बाप, कल से कुछ नहीं खा रहा, शपथ। क्यों, बाप नहीं खिलाता? बाप कल पगार लाया, मटके में हारा, उधारी लेकर बेवड़ा पिया, मेरी माँ को मारा, धोकर रख दिया, फिर मेरे पीछे लगा, मैं कंटी खाकर गुल हो गया। देना यार। कहाँ है ये? किसका मटके का अड्डा है? वो शेट्टी का। क्या तू भी खेलेगा? चल चल घर जा चल। चट्टी साहब, चट्टी साहब, लोहार साहब आए। सुनिए तो साहब, चलाए चल, ये मेरे पास इधर लगा, चल पेस। ये क्या है साहब? क्या है मतलब, क्या पैसा है? पहचानता नहीं, पैसा है, चले पेस। पहचानता तो साहब, मगर मगर क्या है? हाँ मगर क्या है? इनका खून चूसने की आदत पड़ी है ना तेरे को, और ये भी बेशरम साले पूरे दिन की कमाई तेरे कटोरे में डालते हैं, नगद में हारते हैं, उधारी में बेवड़ा पीते हैं, किसी के सामने बस न चले तो बीबी को मारते हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं रस्ते पे। साला तुमसे तो वो कसाई अच्छा बकरे को हलाल करता है और खुलेआम बेचता है। चल पेश पेश, सताना मांगता है, चल पेश। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। एक तरफा जुआ, ये ठीक नहीं। देख जुआई से बोलते हैं, ये देख जुआई से बोलते हैं, असली रिवॉल्वर। 5 गोलियां अंदर, 1 गोली बाहर। चल लगा लगा, नहीं चला चला, सब तेरा, जीतेगा बचेगा सब तेरा। नंगा होके जाऊंगा, कपड़े उतार कर जाऊंगा। माफ कर दो, माफ कर दो साला, तेरी बारी आई तो माफ कर दो। चल मैं पहले लगाता हूँ, चल अगर बच गया ना साला, सब कुछ मेरा। कहते हैं किसको बोलते हैं जुआ, किसको बोलते हैं जुआ, है ताकत भड़वे। बस ड्यूटी पे हूँ मैं, चल बस बस, अभी बहुत हो गया। अरे बहुत हो गया ना, क्या तू भी गुलाल से करता है, हर वक्त गुम मारता है। राजा होली खेल लेना रे, चले चले नखरा करता है, लगा लगा उसको भी लगा। अरे चलना, ये लोग खेल सकते हैं, तू नहीं खेल सकता। थाने पे मैं आ रहा हूं। उसके तो साले की, क्या नाम बोला रे? लोहार। जाने दो साहब, उनसे गलती हो गई, माफ कर दो साहब। माफ कर दूं? साले ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। कोई चिंता नहीं, उसकी तो मैं नौकरी ले लूंगा, देखो तुम। चले फोन लगा, फोन लगा। जाने दो साहब। अरे फोन लगा बोला ना, लगा फोन। अगर उन्हें मालूम होता कि आप कौन है तो ऐसा नहीं करते ना। उसकी सजा उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। अजीब चैप्टर है साहब, अभी अभी तो नौकरी लगी और आप पे हाथ उठाया, पड़ गई ना पेट पर लात। ये इधर कैसे बैठा? वो साहब। अरे उसको क्या पूछता है, तू इधर आ, चल इधर आ। क्या सीएम का बेटा है तो हमारे माँ बहन की इज्जत लूटेगा।
बॉल। देख इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ना। क्या करेगा? देख इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूँ गोली मार दूंगा तुम्हें, मैं कहता हूँ गोली मार दूंगा। देख इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ना। ये तुम्हारी नामर्दानगी का नतीजा है। एक लौंडा आके रिवॉल्वर छीनता है, तुम देखते रहते हो। आओ इधर, आओ दुकान पे लात मारो इसके सर। आओ आओ आओ, मारो मारो, लात मारो, मारो मारो मारो, कस के मारो। हमने एक बिरयानी बोल रहे हैं। अरे और कितनी देर रुकना पड़ेगा? क्या है? मेरा कैमरे का बैग चोरी हो गया। चोरी हो गया या किसी ने छीन लिया? नहीं नहीं, चोरी हो गया। बैठो। कहां से? मैं मोर्चा कवर कर रहा था। सुनो जी, खैबर के पास चिकने अब्दुल होगा, उसे ले आओ। जी सर। कहां काम करते हो? जर्नलिस्ट हूं। कहां काम करते हो? नवभारत टाइम्स। क्या नाम है? दीपक शर्मा। यह तुमने लिखा है? जी हाँ, मैंने लिखा है। पढ़ो। मैं क्या पढ़ू, मैंने तो लिखा है। जानते हो इस आदमी को? मिले हो कभी? नहीं नहीं, मिला तो नहीं हूं। कौन मुसीबत मोल ले? क्यों, काय की मुसीबत? अरे मुसीबत नहीं तो क्या, सुना ये आदमी हाथ से बात करता है, कोर्ट कानून कुछ समझता ही नहीं। अरे ये डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना हक है, गुंडाराज थोड़ी है। किसी ने गुनाह किया हो तो पहले उसे साबित करो, कोर्ट उसे सजा देगी, ये कौन होता है मारने वाला? अब देखिए आप कितनी शराफत से पेश आ रहे हैं, ऐसे आदमी को तो डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए। मैं तो इस आदमी के बारे में और लिखूंगा और लिखूंगा। अगली बार लिखोगे तो उसकी फोटो भी छापो, लोगों को पता चले ये जल्लाद कौन है। सलाम साहब। हाँ आजा अब्दुल, आजा बैठ। ठीक है साहब। बैठ। कैसा है घर में? आपकी दुआ है साहब। ठीक जी। खाना खाया? जी जी नहीं साहब। नहीं खाया? ये ले, ये ले बिरयानी खा। चल। मैं समझा नहीं साहब। खा ले फिर समझाता हूं। खा। बैग वो दे दो उनको, वापस दो। मैं जानता नहीं साहब। अरे दे देना वापस, खुदा कसम मुझे मालूम नहीं। नहीं लाता हूं, लाता हूं साहब, लाता हूं, लाता हूं। ये लेके जा, उठा चल। हाँ। देखा बिरयानी खिलाया, थम्स अप पिलाया, ईमान से पूछा, कुछ नहीं बताया, कान के नीचे का आवाज आई सीधा बता दिया, इसलिए मारना पड़ता। हर एक को बिरयानी खिलाते रहूंगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारा बैग मिल गया है, फोटो खींचने है तो वापस आना, मैं ही लोहार हूं, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। जा रहे एक और बिरयानी बोल के आजा। जी सर। रागिनी मैं हूं, रागिनी मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम यहां आ सकती हो? तुम बोल नहीं रही हो, मैं समझ सकता हूं।
तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रागिनी मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो तस्वीर देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। सच तो यह है कि मैं डर गया था, मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकूंगा, मैं अपने जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकता अगर तुम ना हो तो। तुम्हारे यहां आने से पहले मैं विक्रम के पास गया था, मैं शराब पिया, उसने भी मुझे मारकर घर से निकाल दिया। रागिनी तुम चली जाओगी तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मैं इस दुनिया से लड़ नहीं पाऊंगा। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैं जी नहीं पाऊंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, इंसान नहीं शैतान हो। क्यों रहूं मैं तुम्हारे पास, कैसे रहूं? तुम्हारी शक्ल देखती हूं तो वो गाली मेरे कानों में गूंजती रहती है। दफना दिया है तुमने मुझे कल, अब माफी मांगने से मैं वापस नहीं आऊंगी। बस ये जिंदा लाश है, अब मैं नहीं, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे, सिर्फ एक बार मुझे। अरे यश, तूने पढ़ा? तेरे बारे में कमाल का न्यूज आया है हेडलाइंस में, तू हेडलाइंस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अरे बहुत, आई एम वेरी वेरी। क्या हुआ? हाँ, अरे तेरा चेहरा क्यों है ऐसा पिचके हुए पपैये की तरह? अरे सचमुच तूने हंगामा खड़ा कर दिया है, ये देख। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। ये देख, सुपर कॉप यशवंत लोहार के कारण राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मुख्यमंत्री के नारकोटिक्स लॉबी के साथ संबंध, यशवंत लोहार ने इन संबंधों का पर्दाफाश कर दिया। कल प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र देशमुख को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उन पर लगे आरोपों की न्यायिक जांच होगी। पुलिस कमिश्नर को केंद्र से इस आशय के आदेश मिले हैं कि वे स्थानीय पुलिस तंत्र में फेर बदल करके पुलिस की बिगड़ी हुई छवि को सुधारें। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही भ्रष्ट पुलिस अफसरों को निलंबित किया जाएगा और उन्होंने इंस्पेक्टर यशवंत लोहार का नाम उनके अतुल साहस और ईमानदारी के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए प्रस्तावित किया है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों से महानगर के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उच्च अधिकारियों तथा असामाजिक तत्वों के बीच अनैतिक संबंधों का भांडा फोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इस अभियान के दौरान उन्हें महान संकटों से गुजरना पड़ा, अपने ही विभाग के भ्रष्ट उच्च अधिकारियों का कोप भाजन बनना पड़ा। इस सिलसिले में उन्हें कई बार निलंबित किया गया, फिर भी वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उनका नाम राष्ट्रपति पदक के लिए प्रस्तावित किया गया है। तू रो क्यों रहा है? अरे ये कमाल क्या है तूने? कमाल यश, ये लेके मैं क्या करूं? वो मुझे छोड़कर चली गई, मैंने बुलाया था, वो आई नहीं। कौन नहीं आई? रागिनी। वो अभी तुझे क्यों चाहिए? अरे वो तो रंडी है ना। वेड़ा है वेड़ा मैड। अरे तू कहाँ था? मिठाई खिला मिठाई। अरे ये क्या थोबड़ा लंबा, आंखें लाल, कल रात को ज्यादा पी ली क्या? अरे हसो, ये देखो अखबार में फोटो छपी है, अब तुम्हें वर्दी मिलेगी इंस्पेक्टर वाली। कहाँ चला? बीवी के ऑफिस में। वो भी काम करती है? एक पगार से काम नहीं चलता, हफ्ता नहीं खाता तू। चल तेरी बीवी से मिलते, चल चल। रागिनी, रागिनी गाड़ी रोको। रागिनी मुझे बात करनी है तुमसे। रागिनी गाड़ी रोको, रागिनी मुझे बात करनी है। गाड़ी रोको रागिनी, रागिनी, रागिनी गाड़ी रोको।
रागिनी रागिनी प्लीज रागिनी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चाहे तो तुम मुझे और मार लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। आज के बाद वही करूंगा जो तुम चाहोगी। आंख बंद करके जीऊंगा, ओट सेकर हाथ जोड़कर रहूंगा। अपना घर, अपने बच्चे, अपना सुख, इसके सिवा और कुछ नहीं सोचूंगा। अपने बच्चों को वो सभी कुछ देंगे जो हमें नहीं मिला, उसके लिए घूस खाऊंगा, मेहरबानी करूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। कोई किसी का खून कर रहा है, चुप रहूंगा। कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, आंखें बंद कर लूंगा, दुनियादारी निभाऊंगा, जमाने के साथ बदलूंगा। किसी पर हाथ पर चाहिए, सांप का फोटो छुपा है। ओह शिट, एक और इस फोकट में लड़ना पड़ेगा। फिलहाल तो चलो यहां से। बहुत खतरनाक आदमी है, पर अपना दोस्त है।